हेलो एवरीवन, आज कोरोना को लेके काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगा जो हर एक लोगों के लिए जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है कि मीड 2021 तक 20 से 25 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल, क्या बोलना और उसे पूरा करना इतना आसान है? तो इसका आंसर आप एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया से ही सुनिए। उन्होंने कहा 2022 से पहले तक आम लोगों को वैक्सीन लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल का काम है। देखो, अभी 3 वैक्सीन जिस पे पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा नजर है वो है अमेरिका की कंपनी फाइजर और जर्मनी की बायोएनटेक, जिसने 90% इफेक्टिव होने का दावा किया है। उसके साथ लेटेस्ट में अमेरिका की एक और कंपनी मॉडर्ना, जिसने अपने वैक्सीन को 94.5% इफेक्टिव बता के पूरे दुनिया का नजर अपनी ओर खींच लिया है। यहां तक तो बहुत बढ़िया है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम अब खड़ा होगा जब वैक्सीन को स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन करने का टाइम आएगा। क्या है कोल्ड चेन? काफी यूनिक एंड इंपॉर्टेंट चीज आपको जानने को मिलेगा। उसके लिए आप वीडियो को अंत एंड तक देखें बिना स्किप किए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। देखो, ये जो भी वैक्सीन बन रहे हैं उसे स्टोर काफी कम टेम्परेचर पे करना होगा, उसके लिए कोल्ड चेन की आवश्यकता होगी। आइए जानते हैं कोल्ड चेन के बारे में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कोल्ड चेन एक ऐसा सिस्टम है जिसका काम है वैक्सीन को स्टोर करना और फिर उसे ट्रांसपोर्ट करना मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट से लेके जहां हमें वैक्सीन लगाना है वहां तक, वो भी उसी टेम्परेचर पे जिस टेम्परेचर पे वैक्सीन को रखना जरूरी है। अगर प्रॉपर कोल्ड चेन फैसिलिटी नहीं होता है तो वैक्सीन का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से एक्सपोज होने का खतरा बढ़ जाएगा और उससे वैक्सीन का एफिशिएंसी में भी कमी आएगा। या ये भी हो सकता है कि वैक्सीन काम ही ना करे। फार्मास्यूटिकल लॉजिस्टिक में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर इंडिपेंडेंट वैलिडेटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार 25% वैक्सीन डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले ही डिग्रेड हो जाते हैं और टेम्परेचर एरर की वजह से हर साल $34.1 बिलियन का नुकसान होता है। आपके मन में यह सवाल आता होगा कि आखिर कितना टेम्परेचर का जरूरत होगा COVID-19 वैक्सीन को स्टोर करने के लिए। देखो, फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन, जिसे मैसेंजर आरएनए टेक्निक से बनाया गया है, उसे बिलो जीरो टेम्परेचर पे स्टोर करना जरूरी है। फाइजर की BN1162B2 और BNT1162B2 वैक्सीन को -94 डिग्री फ़ारेनहाइट पे स्टोर करना जरूरी होगा। वहीं मॉडर्ना की वैक्सीन, जिसे पहले -70 डिग्री टेम्परेचर पर स्टोर करना जरूरी था, अब ये लोग -20 डिग्री टेम्परेचर पर स्टोर करने पे भी काम कर रहे हैं। रशिया की स्पुतनिक बी को -80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अराउंड स्टोर करना जरूरी होगा। वहीं भारत की सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर तक भी स्टोर किया जा सकता है। एक और सवाल, आखिर प्रॉब्लम क्या आ रहा है स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन को लेके? देखो, जहां वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसके पास भी इतना अल्ट्रा कोल्ड फ्रीजिंग टेक्निक नहीं है। आप खुद सोचो, करोड़ों में डोज तैयार होगा, ये सब को स्टोर करने के लिए हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए कोल्ड चेन का। इस मामले में लगभग हर कंट्री पीछे है। एक्सपर्ट का मानना है कि कुछ डेवलप कंट्री के पास ही कोल्ड चेन की अच्छी सुविधा है, वहीं जिसे हम पिछड़ा समझते हैं वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, उसके पास भी अल्ट्रा कोल्ड फ्रीज फैसिलिटी अच्छा है, क्योंकि इन देशों ने 2014 से 2016 तक इबोला वायरस को फेस किया था। इसका वैक्सीन को स्टोर करने के लिए भी कम टेम्परेचर की जरूरत पड़ता है। आते हैं इंडिया पे। यहाँ करीब 28,000 कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं, जिसमें से 750 डिस्ट्रिक्ट लेवल या उससे ऊपर पे लोकेटेड है, बाकी के डिस्ट्रिक्ट लेवल के नीचे। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार किसी कंपनी का इतना कैपेबिलिटी नहीं है कि वो वैक्सीन को बिलो -25 डिग्री टेम्परेचर पे स्टोर कर सके और उसे ट्रांसपोर्ट कर सके, क्योंकि इससे पहले हमें कभी जरूरत ही नहीं पड़ा इतने कम टेम्परेचर पे वैक्सीन को स्टोर करने के लिए। एक एस्टिमेशन के हिसाब से हमें 16,000 कोल्ड चेन्स का अर्जेंट जरूरत है कोरोना वैक्सीन को स्टोर और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।